गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। ये है दिवाली का पहला दिन, मीन्स धनतेरस का दिन। धनतेरस के दिन सारी पूजा वूजा होती है, सब कुछ होता है और क्लीनिंग होती है। बट मेरे घर पे ये काम चल रहा है अभी भी, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन आ गए हैं। मैंने जैसे कि आपको बोला था कि कल इलेक्ट्रिशियन आने वाले हैं और सारा काम करने वाला है, जो भी बचा हुआ था, मतलब लाइटिंग वाइटिंग का जो भी काम बचा था तो वो उन्होंने कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने ये झूमर भी लगा दिया है, ये वॉल कंप्लीट हो चुकी है और गलाठा ही गलाठा है जहाँ देखो वहाँ। बट हो जाएगा ये क्लीन, कोई बात नहीं, मतलब एक दिन हमारे पास है तो इसी वजह से सारा कुछ हो जाएगा। और एक्चुअली ये वॉल आप देख सकते हो, ये वॉल बहुत सुंदर लग रही है, मतलब मुझे तो अच्छी लगी। आपको कैसे लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और यहाँ पर ये टीवी यूनिट का भी जब पॉइंट लग जाएगा तब मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर टीवी भी लगा ही नहीं थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो लोग चले गए थे और कारपेंटर का जो मतलब कारपेंटर का जो काम था, तो कारपेंटर को भी मतलब दूसरे साइड वगैरह लिए हुए थे उन्होंने, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाया। तो कारपेंटर का काम बाकी था थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट्स वाइट लग गए हैं सारे, और यहाँ पर भी पॉइंट्स दे दिए हैं उन्होंने। और ये भी मतलब सब कुछ हो गया है, टीवी यूनिट का काम भी हो गया है और बेडरूम की भी ये सीलिंग की लाइट्स वाइट्स लग गई है, सीरीज वीरीज लगा दी है उन्होंने। और यहाँ पर बेडरूम का भी काम हो गया है, फैन लगा दिए है, सीरीज लगा दिए है। और यहाँ पर जो टीवी यूनिट था, मतलब सिर्फ ड्रॉर्स ही बनाए हैं हमने। जो फ्रंट में जो टीवी यूनिट है उसके ऊपर जो तीन ड्रॉर्स थे ना, वो तीन तीन ड्रॉर्स ही लगाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, फिर भी आप देख लीजिए। अभी यहाँ का भी हो गया है कंप्लीट, मतलब जो आज इलेक्ट्रिशियन का काम बाकी था वो लास्ट में इलेक्ट्रिशियन का ही काम था सिर्फ, तो वही आज वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे पार्सल भी आके पड़े थे, बट वो पार्सल ना लगाना था मुझे, एक्चुअली सब कुछ लगाना था मुझे दिवाली से पहले। और यहाँ का कलर भी हो चुका है अभी, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये तो मतलब क्लीनिंग हो जाने के बाद एक बार और आपको सब कुछ दिखा दूंगी मैं, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग आपके लिए दिवाली का ही होने वाला है, तो दिवाली के व्लॉग में आपको पूरा घर देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरह से है, मतलब आपको जो कुछ फाइनल रिजल्ट है घर का वो देखने के लिए मिल जाएगा। बट होम टूर आपको पूरा, जब मैं आपको सब कुछ लगा के एक होम टूर करूँगी आपके लिए, तो वो शादी के बाद होने वाला है। मतलब आप लोगों को अगर नहीं पता है, मेरे भाई की शादी है तो इस मंथ के लास्ट वीक में, मतलब एंड में इस मंथ के मेरे भाई की शादी है। तो शादी से आने के बाद मैं एक होम टूर करूँगी आप सबके लिए। अभी भी थोड़ा सा काम बाकी था तो वो काम कर लेंगे। उसके बाद मेन गेट का कलर भी बाकी है, तो वो मेन गेट का कलर भी लगाना है। तो वो सब कुछ अभी हम लोग शादी के बाद ही करेंगे। शादी के बाद वो सब कुछ होगा, जो भी बचा हुआ काम है वो शादी के बाद आने के बाद करेंगे। तो ये सब कुछ अभी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगाना है सोफ़ा, तो सोफ़ा उन्होंने क्लीन कर लिया था, सोफ़ा ला के यहाँ पर रख दिया है। मैं सब कुछ मतलब अभी सोफ़ा कवर वगैरह वॉश किए थे ना मैंने, वो लगा रही हूँ, क्योंकि सोफ़ा वगैरह तो पहले ही उन्होंने बाहर ही क्लीन कर लिया था, और उसका डस्ट जो है वो वैक्यूम क्लीनर से निकाल लिया था। और अभी जो कवर है वही चढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि कवर भी वॉश करके रखे थे मैंने पहले ही, तो वही कवर चढ़ा रही हूँ। सोफ़ा भी बहुत सारा, मतलब बहुत टाइम लगा सोफ़ा क्लीन करने के लिए, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो इसी वजह से सोफ़ा क्लीन करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगा, आपको क्या बताओ। इतने दिनों से पड़ा ही था वो सोफ़ा, तो आप सोच सकते हो कि सोफ़ा क्लीन करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा। बस यही कर रहे हैं हम दोनों भी, और बहुत सारी मतलब सारी चीज़ों में मुझे इन्होंने ही हेल्प की है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ही की है। तो सोफ़ा क्लीन भी उन्होंने ही किया है, अभी देखो इसमें भी मुझे हेल्प कर रहा है, तो आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी उन्होंने। वैसे भी इतना सारा काम था कि अकेले से हो भी नहीं पाता था, तो अभी यहाँ पर देखो थोड़ा सा दाग वाग गिर गए थे, तो इस वजह से वो मैं क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि ये जो नीचे का पोर्शन है वो लेदर है, ऊपर का जो है वो वेलवेट है, जो ब्राउन दिख रहा है आपको डार्क ब्राउन वो वेलवेट है, और जो आपको क्रीम कलर दिख रहा है वो लेदर है। तो यहाँ पर मेरे जो पार्सल आए थे तो उसमें मैंने स्टिकर्स ऑर्डर किए थे, तो वो स्टिकर्स किए थे इसके लिए किचन के लिए ऑर्डर। तो जहाँ पर मेरा पहले वाला किचन का स्टिकर लगाया था वहाँ पर भी एक स्टिकर ऑर्डर किया था, वो निकाल दिया था हम लोगों ने। मैंने आपको जैसे कि दिखाया था पहले, अगर आपने ब्लॉग देखे है तो उसमें दिखाया। और ये वाला जो स्टिकर है मैंने डाइनिंग एरिया के लिए मंगाया है, तो ये डाइनिंग एरिया में लगाऊंगी, और उसके बाद जो दूसरा स्टिकर है वो वहाँ पर लगेगा, जो पहला स्टिकर जहाँ पर लगा हुआ था। तो ये कुछ इस तरह से पूरा स्टिकर आता है, और ये छोटे छोटे उसके मतलब निकाल के लगाना पड़ता है, तो ये पूरा लाइन लाइन मैं आपको दिखा दूँगी बाद में, जब लगाएंगे तब आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर वही निकाल रहा है श्रीकांत,
और जब भी मेरे यहाँ पे कोई स्टिकर आता है या स्टिकर हम लोग लगाते हैं तो श्रीकांत ही लगाने में मेरी हेल्प करता है। इससे पहले के ब्लॉग भी आपने देखे होंगे, श्रीकांत ने ही लगाए थे पूरे स्टिकर, क्योंकि मैं उसको पूरा मतलब बताती हूँ दूर से कि कहाँ कहाँ लगाना है, और सिर्फ चिपकाने का काम वही करता है। क्योंकि ना एक पीछे भी चाहिए कोई बताने के लिए कि अच्छे से सही से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर उसने ना पहले हम ये कैसा था स्टिकर कि ये पूरा कर्शू में था ना, तो इसी वजह से ये पूरा चिपका हुआ था एक दूसरे से। नहीं तो क्या होता है कि एक एक वर्ड निकालना पड़ता है, एक एक वर्ड लगाना पड़ता है। तो ये कैसा था कि ये पूरा ही चिपका हुआ था, इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है और इतने ज़्यादा थक गए थे कि मन भी नहीं कर रहा था इसको लगाने का, फिर भी कैसे तैसे हम लोगों ने ये लगा दिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसने टाइम खाया हमारा। तो ये देखिए, इसको ना कर्शू के वर्ड जैसे चिपके हुए रहते हैं वैसे ये पूरा चिपका हुआ था। तो इस तरह से ये पूरा निकालना पड़ा। छोटे छोटे अगर वर्ड्स निकालने जाते ना, मतलब ज़्यादा उसको ये करते ना खींचते, तो वो टूट भी जा रहे थे। इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा इसमें टाइम चला गया हमारा। तो कोई बात नहीं, ये लग गया है जैसे कि आप देख सकते हो। ये फैमिली लाइफ अलग से लगाना पड़ा, उसके बाद वो टूट गए थे थोड़े थोड़े, तो इसी वजह से ऐसे अलग से लगाने पड़ रहे थे। जब ये पूरा लगा देंगे ना, उसके बाद आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिल जाएगा। और आप देख सकते हो ये पूरा लगा दिया है और इस तरह से ये लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाइट वॉल है, उसके ऊपर ये स्टिकर लगाया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब पहले यहाँ पर टेक्सचर हुआ करता था, तो वो टेक्सचर निकाल दिया था, अभी पूरी वाइट वॉल कर दी थी ना, तो इसी वजह से मैंने ये स्टिकर्स मंगाए थे। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं। अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपके यहाँ पर भी ऐसे एरिया है तो आप उस एरियाज़ में ये वाले स्टिकर्स लगा सकते हो। तो मैं जैसे कि यहाँ पर श्रीकांत को बताती हूँ, वहाँ पर वैसे मतलब दिखा देते हैं वो कि कैसे लगाना है, बट उसके बाद भी हम लोगों को बताना पड़ता है। मतलब हम लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो छोटा सा आपको बना के दे देते हैं कि कैसे लगाया जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लगाया था स्टिकर, और इसका भी फाइनल लुक आपको देखने के लिए बाद में मिल जाएगा। बहुत सुंदर लगते हैं यार ऐसे स्टिकर्स लगाते हैं ना, तो मतलब वाइट वॉल में, प्लेन वॉल में, वाइट हो या कोई भी कलर की वॉल हो, तो प्लेन वॉल में ना तो ये स्टिकर अगर लगाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है, चार चांद लग जाते हैं आपके वॉल को। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्टिकर्स लगाए थे। और ये जो पुराने स्टिकर है वो इधर के साइड में, मतलब ये वाले दिख नहीं रहे आपको, ये मैंने फर्नीचर पे लगा दिए है। तो ये कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा इसमें भी टाइम चला गया, इसमें थोड़ा सा कम टाइम गया था, बट वो जो डाइनिंग वाला था ना, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला गया। थोड़ा सा डिफरेंट इस बार मंगाया है, तो ये किचन में सूट होगा ऐसे मंगाया है मैंने, तो बहुत सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, और आपको कौन सा एरिया मेरे घर का ज़्यादा अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो ये यहाँ पर स्टिकर्स लग गए हैं। एक्चुअली स्टिकर लगाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था हमारा, और वो लोग उधर काम कर रहे थे, हम लोग इधर काम कर रहे थे। दिवाली है तो दिवाली में न्यू बेडशीट तो लगाते ही है सब, तो इसी वजह से मैंने पहले ही ये ऑर्डर कर दी थी। एक्चुअली मेरी जो थीम थी बेडरूम की, वो मैजेंटा कलर में थी, तो मैंने ये वाली बेडशीट ऑर्डर कर दी थी। तो मेरा जो पेंट है, तो आप लोगों को तो पता ही है उसका क्या हुआ था। तो ये जो पेंट है, मैंने मैजेंटा कलर लिया था और वो ग्रीन कलर आ गया था, तो यही मैंने ग्रीन कलर लगा दिया था। बट मेरा ना बेडशीट लेने के लिए जाने का, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला बेडशीट लेने के लिए जाने का, मतलब कोई भी शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं मिला। सिर्फ बच्चों की शॉपिंग हम लोगों ने उस दिन की थी और ग्रॉसरी शॉपिंग की थी। तो ये शॉपिंग ना, मतलब कुछ भी शॉपिंग जो घर के लिए करते हैं, जो होम डेकोर का जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया उतना ही था, जो मैं वहाँ से परचेस करने वाली थी ना, वो तो कुछ भी करने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब टाइम आप लोगों को तो पता ही है क्या हुआ था, तो टाइम था ही नहीं मेरे पास, इसी वजह से यही मैंने बेडशीट लगा दी थी फिर। और क्या कर सकते हैं, अभी की मैंने लगा दी थी ये, क्योंकि ये न्यू थी, मतलब कोरी बेडशीट लगाते हैं ना, तो इसी वजह से यही लगा दी थी मैंने, न्यू थी इसी वजह से। अभी मुझे कर्टन्स भी लेने हैं न्यू, और बेडशीट भी न्यू लेनी है इससे मैचिंग वाले, तो वो मैं बाद में करूँगी जब मैं आपके साथ होम टूर शेयर करूँगी ना, तो उस टाइम मैं ये सारा कुछ करूँगी, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अभी का फ़िलहाल का मैं यही कर रही हूँ, जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था वही मैं लगा रही हूँ अपने घर में, जो जो मैंने पहले लेके रखा था। तो और हाँ, इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो इसके, ये जो मैंने होम डेकोर मंगाया है, तो इसका तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी दूसरा, बट जो मैंने क्या बोलते हैं स्टिकर्स लगाए हैं, तो वो स्टिकर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट लग गई है, और कैसे लग रही है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पर जो पॉलिश करने वाले हैं, जो चौकट को पॉलिश करने वाले थे, तो वो आ गए थे, तो वही अभी
आप टेपिंग वगैरह कर रहे हैं इसे डोर को, क्योंकि उसको अगर लग गया ना एक बार वो पॉलिश तो वो निकलेगा नहीं, इसी वजह से ये पूरा टेपिंग कर रहे हैं। तो ये टेप करने के बाद, टेप वगैरह लगाने के बाद फिर इसको पॉलिश होगी। तो तब तक माही ना बेसिन क्लीन कर रही थी, क्योंकि बेसिन भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन धूल वगैरह थी उस पर, ये न्यू था ना तो इसी वजह से ये कुछ भी मतलब क्लीन नहीं हुआ था। तो ये सब कुछ माही क्लीन कर रही है। तो मतलब जब तक ना बाकी के काम हम लोग कर रहे थे ना, तब तक बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, बच्चे मीन्स माही ही, नहीं तो अद्वित तो ज़्यादा कई काम करके रखता है। तो ये जो चौकट है, ये जो फ्रेम है, वो पॉलिश हो रही है अभी। इसका भी लुक पॉलिश होने के बाद बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये भी बहुत सुंदर लगने वाली है फ्रेम, मतलब एकदम ग्लास जैसे चमक रही है अभी फ्रेम ये पॉलिश होने के बाद। बट ये भैया ना पहले दिन इसको सिर्फ वो पॉलिश वॉलिश मतलब जो सिंपल वाला पॉलिश है वो लगा के गए थे। फिर दूसरे दिन ना इन्होंने वो स्प्रे लाया था, मतलब दिवाली के दिन स्प्रे लगा के गए थे, तो उससे वो चमक आती है उसकी। और यहाँ पर गलाठा आप देख सकते हो, पीछे बाहर भी गलाठा था, अंदर भी गलाठा था। अभी ये क्लीन करना है आज के दिन, और फिर जाके मेरा घर क्लीन होगा दिवाली के लिए, रेडी होगा। तब तक मैं फराल का बोलते हैं ना हमारे इसमें मराठी में, तो बहुत से लोग जो मराठी हैं मुझे पूछ रहे थे दिवाली का स्नैक्स नहीं बनाओगे क्या, तो दिवाली का स्नैक्स तो बनाना ही पड़ता है यार लक्ष्मी पूजन के लिए। तो वो तो मैं घर पे ही बनाती हूँ हर साल, और इस साल भी घर पे ही बना रही हूँ, क्योंकि टाइम तो नहीं था बट बनाना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा मैंने चूड़ा और चकली और क्या बोलते हैं शक्करपारे और गुजिया, ये सारा मैंने घर पे ही बनाया था। तो ये सारा तो आपको दिखा नहीं पाई, शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है मतलब कैमरा वगैरह सेट करने में। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी माही के पास मैंने दे दिया था, थोड़ा सा शूट कर लिया उसने बस। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ऑनलाइन बहुत सारे होम डेकोर ऑर्डर किए थे मैंने इस साल, और वही हुआ कि मतलब लगाने के टाइम आपको दिखाना नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो है बीच वाला वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये जो दिए है वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और ये जो दिए है ना, ये सेल के दिए हैं, तो ये नीचे बटन होता है इसका, और ये ऐसे ही जलते हैं बटन दबाने के बाद, तो बहुत सुंदर लगते हैं। चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो आजकल, लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कैसा लग रहा है घर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।